के पानी कैसे आ रहा है? नहीं उधर टनल जैसा है वो। अच्छा अच्छा गहरा है। हाँ वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो बारिश में ऊपर से ही गिरता है। राजा रानी रोरो राकेट चारों का नाम है। हाँ राजा है वो रानी है वो नीचे वाला रोरो वो राकेट ऊपर रोरो। राजा रानी रोरो राकेट समझ रहे हो? मजेदार है। अच्छा वहाँ कोई नहाने उन्हें जा सकता है? नहीं जाने के लिए तो दिक्कत होगा आपको। नहीं उतरने के लिए नहीं देते। वहाँ सीढ़ी तो बनी हुई है वहाँ पे। बने हुए हैं जाके मरते हैं लोग। पत्थर गिर गया ऊपर तो भैया गिरलैंड नहीं यहाँ तक भी नहीं जाने देते वो जो वो शेड बना हुआ है। अभी पता नहीं मैं भी अभी छोड़ता है मगर आप जाने से जाने के लिए 1 घंटा लगता है आने के लिए 1.5 घंटा लगता है। जा सकते हो? अच्छा नीचे उतरने में 1 घंटा। सीढ़ी बनी हुई है उसका क्या? सीढ़ी है चल के जाने का आप जा सकते हो। बाद में चढ़ने का वक्त है ना दर्द होता है बहुत दर्द होता है बहुत यानी बहुत। नहीं मैं अभी मेरा 30 साल हुआ है ना मैं सिर्फ एक बार गया हूँ नीचे। राजा रानी रॉकेट की चार धाराएं। अच्छा एक दो तीन वन अनब्रोकन कॉलम राजा रानी और चौथा कौन सा है? तीन ही तो है राजा रानी छोटा वाला रोवर। अच्छा अच्छा रॉकेट ऊपर वाला। ओ भाई राजा का सबसे ज्यादा पानी आता है ये बिना ब्रेक हुए और रानी के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो टुकड़े में हो जाती है। राजा का सिंगल है एकदम सिंगल धार समझे। रानी दो टुकड़े में हो जाती है। अच्छा वो जो है वो ब्रिटिशर्स का बना हुआ है अपनी सुविधा के लिए अपने एक रिजॉर्ट टाइप का बनाया था कि मजा ले। मैंने वो गेस्ट हाउस बोलते हैं ना बड़े बड़े लोग बनाते हैं ना वैसा है। हवा कितना बढ़िया यहीं पे लिंगन मक्की सो जाए। लिंगन मक्की में अंदर नहीं छोड़ता है वहाँ से पानी आता है ना। हाँ उधर से आता है लिंगन मक्की। और बारिश में क्या होता है ना उधर वो डैम है उसमें इतना चूसक करके रहता है ना उसका ऊपर पानी आएगा तो उधर गेट ओपन होता है तभी इधर बहुत पानी आता है। अच्छा वो बारिश में बरसात में। महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट MGH एक्चुअली हम लोग इधर लोकल में MGH बोलते हैं। MGH लोकली लोकल महात्मा गांधी महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक MGH ये करंट प्रोड्यूसर है। हमिंग बर्ड्स कितना मतलब इंजॉय कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है उनको। पहले हीरे भस्करा डैम था 1960 से पहले उसके बाद उसको मोक्ष गुंडाम विश्वरैया ने बोला लिंग मक्की डैम। लिंगा नमक्की जो लिंगम पिक्चर किया है ना इधर ही किया है। अच्छा लिंगम रजनीकांत ने किया है ना। हाँ रजनीकांत की मूवी है लिंगम ये इधर मुंगारू मड़ा। अच्छा अच्छा वो पिक्चर आया था ना तभी इधर बारिश में बहुत हुई है। अच्छा ये ट्रॉली बन रही है साइड से निकाल दी मिड वे इसलिए नहीं बनाएंगे वो बढ़ सकता है ना अभी भी बढ़ेगा पानी उनी का बहाव बढ़ाएंगे है ना ये भी तो है। नहीं नहीं वो ब्रिटिश टाउन तो बना सकते हैं उसके बाद तो नीचे रास्ता ना अलग से। अगर आप उधर जाने के लिए बोल रहे थे ना सीढ़ी दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का सिर्फ उधर ही जा सकते आप। नहीं तो उधर से जाते दिखता क्या क्या दिखता इसलिए मैं नहीं देख रहा। नहीं सही किया एक ही बात है उधर से एक ही बात ये ज्यादा व्यू अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा एक बार में आँख में समा ही नहीं रहा है इतना बढ़िया वर्ल्ड टाइम सेकंड जो फर्स्ट है वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट टाइम एक 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 कनाडा में नहीं इंडिया में एक वो है मेघालय में एक तो एक दूध सागर फॉल है गोवा में तीसरा ये नहीं दूसरा है वर्ल्ड दूध सागर फॉल सबसे ऊपर फिर ये इंजर फॉल अफ्रीका में है ना वो पहला है वर्ल्ड में सेकंड जो यही है सेकंड एक अमेरिका में नहीं आगरा अमेरिका नहीं नयाग्रा फॉल अफ्रीका में है वो नयाग्रा नयाग्रा कनाडा अमेरिका बॉर्डर पे आप नहीं देखना हमको हमको पता है कोई बात नहीं हो जाता है
वो नायगरा फॉल्स वो अफ्रीका में वही है। अच्छा अच्छा यार मैं क्या बोल रहा हूँ लंबाई। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाइट वाइज ना। हाँ, हाइट वाइज ओके। वो कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पे। हाँ वो क्या है नायगरा फॉल सबसे आपने जो कहा वो कितने फेमस है नंबर वन ये तो पता नहीं वाइड कितना चौड़ा है चौड़ा लगता है लार्ज में लार्ज उसका वॉल्यूम वाइज वॉल्यूम ये मैं क्या बोल रहा हूँ हाइट वाइज। हाँ तो हाइट वाइज तो है ये सेकंड मोस्ट फेमस। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आया होगा उसको कितना अच्छा लगा होगा। अरे खींचो भैया खींच दो फिर।